हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं डॉक्टर सोना कौशल एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ। पहले भी आपके बीच आ चुकी हूँ और मैं आज आपके साथ हूँ ताकि मैं आपके एग्जाम्स आ रहे हैं आज, तो मैं एग्जाम्स को कैसे आप अच्छी तरह से दें, तनाव मुक्त होके दें ताकि आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी हो, इस बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, बोर्ड एग्जाम्स 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए हैं, तो मैं चाहूंगी कि 10वीं और 12वीं के बच्चे भी ध्यान से सुने, और जो भी सवाल है संबंधित, आपको कोई भी परेशानी है तो आप पूछना ना भूले। मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ, और उसके बाद भी आप चैट बॉक्स में या क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हम उनको आंसर करेंगे। एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अब ये है कि एग्जाम्स जब भी आते हैं, साल भर की हमने पढ़ाई करी हुई है, हम सबका मकसद ये होता है कि हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, जितना पढ़ा है जितना आता है उसको अच्छे से अच्छा लिखें, अच्छे से अच्छा उसको प्रस्तुत करें ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स और अच्छे से अच्छा हमें रिजल्ट मिले। यह हम सबकी मनोकामना होती है, लेकिन अब देखा गया है बच्चों कि कई बार बहुत सारे बच्चे जो हैं डर जाते हैं, घबरा जाते हैं एग्जाम से, और उन्हें चिंता होने लगती है, और फिर वो उनकी जब जब ये सब होता है तो इसका मतलब बच्चा तनाव में है, और जब बच्चा तनाव में है तो इसका मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको जितना आता है वो उतना भी नहीं लिख पाएगा। ठीक है, अगर आप उतना भी ना लिख पाओ जितना आपको आता है तो उस बात का तो कुछ फायदा ही नहीं है। आपने पढ़ाई करी है, सब कुछ करा है, और आप वहां जाके भूल जाओ। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, और आपके भी कोई सवाल होंगे तो पूछिएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम सब कुछ पढ़ा होता है और आता भी है, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, लेकिन जब चले जाते हैं एग्जाम देने बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, सब ब्लैंक हो जाता है। तो ये सब तनाव के लक्षण हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि आप तनाव मुक्त रहो और शांत रहो, और आपको डर भय चिंता ना लगे एग्जाम्स में, और आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तब करो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आपसे एग्जाम्स के बारे में। एग्जाम एग्जाम स्ट्रेस, एग्जाम स्ट्रेस, ये आपको ना हो। तो जो टॉपिक है से नो, ठीक है, से नो टू एग्जाम स्ट्रेस। हमें तनाव नहीं लेना है, हमें तनाव मुक्त रह के अपना एग्जाम देना है ताकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी हो। अब सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है कि आप जिस भी कक्षा में हो, स्पेशली 10वीं और 12वीं के बच्चे जो हैं, और बच्चे भी, आप अब तक इस स्थिति में पहुंचे हो, आपने कई सारी परीक्षाएं दे दी हैं, क्लास टेस्ट है, एनुअल टेस्ट है, पीरियोडिकल्स हैं, और कितने सारे टेस्ट आप दे चुके हो, टर्मिनल्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं। तो जैसे आप वो एग्जाम्स दे चुके और पार हुए हो, उसी तरह से ये वाले एग्जाम्स भी हैं, इनको भी आप पार कर लोगे, ये आपको सोचना है। और आपको ये भी सोचना है कि आगे चल के भी जीवन में हमारे बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी जो एक एग्जाम्स की तरह होंगी। आपको 12th स्कूल के बाद फिर कॉलेज जाना है, वहां एग्जाम्स होंगे, फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन देना है, फिर आप जिस भी करियर में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, लॉयर बनोगे, जो भी बनोगे, तो टीचर बनोगे आप, उसको जब पढ़ोगे तो वहां पे एग्जाम्स देने हैं। तो हमारे जो एग्जाम्स है ये तो हमारा लाइफ का एक पार्ट और पार्सल है, ये हमारे साथ चलता है, जीवन भर चलता है, और हमें कोशिश करनी है कि हम इसको अपने पे हावी ना होने दें। तो क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आप अपने आप बारे में सोच के, अपना ध्यान रख के अपना एग्जाम अच्छे से अच्छा करो? सबसे पहले तो ये चीज है कि अपने लाइफ स्टाइल को, अपना जो जीवन शैली है उस पे ध्यान दो। अभी जीवन शैली में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या सोचना चाहिए। एक्चुअली हमारा जो दिमाग है ये एक कंप्यूटर की तरह है, और ये सोचता बहुत है, ठीक है, और ये सोचता क्या है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसकी मैं एक पहले भी क्लास ले चुकी हूँ, इसको हम अपनी इमोशनल डाइट कहते हैं, हमारी भावनात्मक खुराक, ये इसी से हमारी सोच बनती है। तो अभी क्या है कि जब हम
एक दूसरे से मिलते हैं, या हमारे माँ बाप हमसे कई बार कहते हैं, या स्कूल में भी कहा जाता है कि अरे एग्जाम्स है, सीरियस हो जाओ और अच्छे से एग्जाम्स देना, तो ये बड़ा तनाव वाली बातें होती है। तो सोचना क्या है आपको, आपको ये सोचना है कि ये मेरे एग्जाम्स हैं, एक लाइफ का हिस्सा है, बहुत सारे दिए हैं, ये भी ऐसे ही पार हो जाएंगे। आपको इस समय अपने रिजल्ट के बारे में, या आपको आगे क्या करना है, आपको करियर में क्या करना है, कौन से कंपटीशन देने हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये समय ये सब नहीं सोचना है। अभी एक महीना लगभग रहता है, एक महीने से भी कम रहते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अब आपको एक टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल बना के आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देना है। तो अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए, अपने माँ बाप की मदद ले लीजिए, भाई बड़े भाई बहनों की मदद ले लीजिए, और हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स करके जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको एक समय उसमें रख लीजिए टाइम टेबल बना के। एक टाइम टेबल को क्या कहते हैं, प्रणाली, टाइम पढ़ने की प्रणाली। तो उसमें आप अब क्या करो कि आप हर सब्जेक्ट को करीब एक घंटा का टाइम दो, एक घंटे, और फिर उसके बाद 10 मिनट उठ के थोड़ा ब्रेक ले लो, क्योंकि अगर आप लगातार तीन तीन चार चार घंटे बैठ के पढ़ोगे तो वो टाइम ही वेस्ट होता है, क्योंकि दिमाग थोड़ा थक जाता है घंटे भर बाद। तो इसलिए हमें थोड़ा दिमाग को आराम देना चाहिए। घंटे भर टाइम रखो, फिर 10 मिनट ब्रेक लो, और सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर लो, और अपना एक गोल बना लो कि अब इतने दिनों में मुझे सारे सब्जेक्ट्स को अपने रिवाइज करना है। अब मैं सारी असली बात पे आती हूँ कि ये जो समय आपका रह गया है महीना भर एग्जाम्स का, ये समय आपके रिविजन का है। रिविजन मतलब जो भी आपने पढ़ा है आपने उसको दोहराना है, समझे ना। इस समय कोशिश ये करिएगा कि आप कोई नई किताब, आप कोई नया चैप्टर, आप कोई नई होती है ना बुक्स वगैरह, कोई चीज या ऐसी टिप्पणी की बुक्स, इन चीजों को ना उठाओ इस समय, क्योंकि अगर आपने कोई नई चीज उठा ली जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हुई है, एक तो टेंशन होगी कि पहले नहीं पढ़ी है, फिर उसमें इतना समय आपका चला जाएगा कि आप जो बाकी चीजें आपने पढ़ी है उस पर ध्यान नहीं दे पाओ। तो ये समय इसलिए जरूरी है कि आप एक टाइम टेबल बना के जो जिस सब्जेक्ट को आप उठाओ, घंटे भर के लिए देख लो मुझे ये दो चैप्टर्स करने हैं, और आप उसमें अपने रिविजन करते जाओ, जो चीज पढ़ी है उसको दोहरा लो, जो चीज पढ़ी है उसको दोहरा लो, ठीक है। जब आप दोहराओगे, जब आप एक दिन उस चीज को बैठ के पढ़ोगे तो पिछले वाले चैप्टर को दोहरा लो कि कल ये देखा था, दोहरा लो मतलब मेन चीजें अंडरलाइन कर लो, और फिर उन पे नजर डालते हुए आगे बढ़ो, अपना रिविजन करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका तनाव कम होगा। क्यों? क्योंकि आप वो कर रहे हो जो चीज आपने पढ़ी हुई है, और जो चीज आपने नहीं पढ़ी है इस समय उसको आप रहने दो, क्योंकि उसको अगर आप उठा लोगे तो आपका समय बहुत उसमें चला जाएगा और आपके रिविजन्स खत्म हो जाए, नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, मैम याद रखने का कोई नुस्खा है, मैम ध्यान लगाने का कोई नुस्खा है। मैं आपको बताती हूँ कि याद रखने का ना, मैम भूल जाते हैं, मैम याद नहीं रहता। तो अगर तनाव मुक्त रहोगे, जिसकी मैं बताऊंगी कि कैसे उस तनाव मुक्त रहना अभी बताऊंगी, लेकिन अगर आप अपनी चीजों को रिवाइज करोगे, जैसे आपने चैप्टर 6 पढ़ा हुआ है उसको आपने आज पढ़ लिया, फिर कल जब आपने चैप्टर 7 पढ़ा तो 6 को दोहरा लिया, ठीक है, फिर बीच में जब भी टाइम मिलेगा फिर आप अपने पुराने चैप्टर्स को दोहरा लोगे ज्यादा समय ना देके, क्योंकि पढ़ा हुआ है मेन चीज, सेलियंट चीज। तो जितना आप रिविजन करोगे पढ़ी हुई चीज का, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और डर खत्म होगा। तो अब समय आप अपने दोहराने में एक टाइम टेबल बना के बैठो और दोहराना शुरू कर दो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप डरे ना, और जितना रिविजन करते हैं उतना ही भूलने की जो प्रॉब्लम है वो कम होती है। अगर आप इस समय देखा गया है कि वो बच्चे जिन्होंने 4 बार रिवाइज किया या 3 बार, वो ज्यादा याद रखेंगे, बनस्पत उसके जिस बच्चे ने 1 बार रिवाइज किया है वो थोड़ा कम याद रखेगा, और जिसने बिल्कुल ही रिवीजन नहीं किया तो वो भूल ही जाएगा उस चीज को। तो जो चीज पढ़ी हुई है उस पर ध्यान देके उसका रिवीजन करो, एक नंबर वन। दूसरी चीज ये है कि मैंने बोला अब एग्जाम टाइम आ रहा है, मेरा स्पेशली ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए है, आपका जो भी है उत्तराखंड बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स है
उसमें अब वो आने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए खासकर मैं आज ये लेसन ले रही हूँ, और बाकी बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल है कि आप सैम्पल पेपर जरूर करो। जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स मिल चुके हैं या हैं आपके पास, आप कोशिश करो आपको मिले हर सब्जेक्ट के 2-3 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर्स बहुत होते हैं उस एग्जाम्स के। और अगर आपका एग्जाम 10 से 1 है या 9 से 12 बजे तक है एग्जाम आपका, देख लीजिएगा शेड्यूल जो भी है आपका, आप उस समय कोशिश ये करिए कि उस समय आप एक शांत वाली जगह पे घर पे एक कुर्सी मेज रख के कुर्सी पे बैठिए और एक सैंपल पेपर, एग्जाम का जो पीरियड होगा 10 से 1 का जो भी आपका पीरियड है, उसमें बैठ के एक सैंपल पेपर सॉल्व करिए और अपने आप को इमेजिन करिए। इमेजिन इमेजिन मतलब आप सोचिए इस बारे में, आप इस बारे में यू नो अपने बारे में मतलब इसको आप इमेजिन करिए और अपने मन में इसको देखिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आप एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो। 3 घंटे का टाइम है, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, अपना पेपर पढ़िए, टाइम मैनेजमेंट देखिए, कितने सवाल में कितना टाइम लगना है उसको करके पेपर को सॉल्व करिए। तो रोज अगर आप एक क्वेश्चन पेपर एग्जाम टाइम पे सॉल्व करोगे तो उससे आपका इमेजिन करके कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो उससे आपका भय, चिंता, डर काफी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज को हम देखते हैं अपने मन में और इमेजिन करते हैं हम वही कर रहे हैं, तो हमें उस चीज दिमाग को उस चीज के आदि हो जाता है, तो वो डर खत्म हो जाता है। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो अपना सैंपल का, तो फिर अपने आप को बड़े उसमें मार्क्स वार्क्स देने के चक्कर में ना पड़ो। जो भी आपने लिखा है और जो चीज आपको नहीं आती है उसमें, उसको आप एक बार देख लो अपने कॉपी में और उसके बारे में पढ़ लो, ताकि जो चीज आपको नहीं आती है उस चीज में आपका वो चीज आपको आ जाए। तो आपने सीख भी लिया, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिया, टाइम मैनेजमेंट भी हो गई, आपको 10 से 1 बैठ के एग्जाम देने की आदत भी पड़ गई, आपकी डर चिंता खत्म। तो इससे बहुत फायदे हैं, इसको जरूर करिएगा। ये भी देखा गया है कि जब आप अपना रिविजन्स कर लोगे, तो अगर आपको बीच में कभी कोई टाइम मिलता है, तो कोई ऐसी चीज है जो क्वेश्चन पेपर्स में बार बार पूछी जा रही है और आपको नहीं आ रही, उसको आप कोशिश कर लीजिए अपने टीचर से या फ्रेंड से पूछ कर, वो आपको आ जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, नई चीज मत उठाओ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम वो वाली किताब से पढ़े कि वो वाली किताब से पढ़े, अभी आपने जिस किताब से जो पढ़ा हुआ है वही पढ़िए, जो क्लास में आपको जिस किताब से जैसे आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, कोई नई चीज मत। ये देखा गया है कि एग्जाम से पहले हमारे को अपने 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो मैंने कहा हम क्या सोचते हैं, तो हम रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि जो है बहुत बढ़िया होने का है और एग्जाम्स के बाद मैं बहुत आराम करूंगा या घूमने जाऊंगा या जो तुम्हारा मन करता है वो लिख लो एक कागज पे कि एग्जाम्स के बाद मैं ये करूंगा, और उसको एक तरफ रख लो। तो पॉजिटिव सोच रखो और अपने आप से कहो, अपने आप तुम्हारा दिमाग कहेगा कि अरे ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, अब क्या होगा। तो अपनी सोच पे काबू रखो, अपने आप से कहो नहीं मैंने पढ़ा है और मैं रिवीजन करूंगा और मैं अच्छा करूंगा। जब अपने आप से आप कहोगे कि मैं अच्छा करूंगा, तो बहुत ज्यादा डर चिंता खत्म हो जाए। सोच पे अपने ध्यान रखना है। घर में अगर माँ बाप हैं या माँ बाप आपके घर में माँ बाप जो हैं या भाई बहन है, अगर उनको चिंता हो रही है तब आपको क्या करना है। अब माँ बाप तो इस समय हमारे पास क्लासरूम में तो है नहीं, टीचर्स हैं, तो टीचर्स भी मैं बोलूंगी कि अगर आपको पेरेंट्स मिलते हैं तो उनको यही बताइएगा। और बच्चों आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि अगर मम्मी पापा कहते हैं ये पढ़ ले वो पढ़ ले, ऐसे पढ़ सो नहीं रहा, तो जायज सी बात है कि माँ बाप को चिंता हो रही है। लेकिन मैंने आज काउंसलिंग आपकी हुई है, क्लास आपकी हुई है, तो आपको पता है कि चिंता करना गलत है, उन टेंशन बढ़ रही है, तो उनको आप समझाएंगे कि मम्मी आप रिलैक्स करो, मुझे पता है मैं अपने हिसाब से पढ़ रहा हूँ, और अपना हिसाब ठीक रखो पढ़ने का, टाइम टेबल बना के रिविजन्स करो। तो इसलिए माँ बाप की चिंता या माँ बाप का डर अपने अंदर हावी मत होने दो। घर का माहौल माँ बाप को कहो कि मम्मी शांत रहो, और मतलब आपको एक काउंसलर बनके अब अपने पेरेंट्स से बात करनी है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अपने घर में भी माहौल अच्छा रखने की कोशिश करिए। अगर आपके पेरेंट्स आज मेरे पास होते तो मैं उनसे बात करती, क्योंकि वो नहीं है, इसलिए मैं आपको एम्पावर कर रही हूँ कि आप किसी की बातों में तनाव में नहीं आओगे। जब आप ब्रेक लेते हो घंटा भर पढ़ के,
उसमें आप कुछ कुछ अच्छी चीजें खा लो, थोड़ा बहुत पानी पी लो, और कोशिश करो कि दिन भर में 10-15 मिनट या आधे घंटे के लिए थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करो। एक्सरसाइज मतलब बाहर दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, घर में ही स्किपिंग कर ली या थोड़ी साइकिलिंग कर ली घर पे, या घर पे थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग कर ली इधर उधर, ताकि थोड़े शरीर चुस्त चुस्त रहे, और शरीर ठीक रहता है तो दिमाग भी चुस्त रहता है। तनाव ग्रस्त दोस्तों से दूर रहो। फोन उठा के दोस्तों से बात करेगा तो दोस्त कहेगा अरे तूने क्या पढ़ा है, और आप बात करोगे तो आप कहोगे तुमने क्या पढ़ा, अच्छा तुमने ये पढ़ लिया, अच्छा वो इम्पोर्टेंट। इन बातों से तनाव बढ़ता है और आपका जो रिविजन का टाइम है वो कम होगा और आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों से अगर बात करनी है तो अच्छी बात करो कि छुट्टियों के बाद क्या करेंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई पे अपने हिसाब से फोकस करके रिवीजन करते जाओ। दोस्त क्या कर रहा है कि किसने क्या पढ़ा है, उससे आपको प्रभावित नहीं होना, ना आपने डिस्कस करना है ये बात। समझ में आई? समझ में आई? हाथ ऊपर करो समझ आ रहा तो, हाथ ऊपर करो अगर समझ आ रहा तो। हाँ वेरी गुड। और अब सवाल तैयार रखना, अभी टाइम दूंगी तो जो सवाल पूछोगे, और तभी मुझे लगेगा कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो और आप लोगों को सब समझ आ रहा है। तो सवाल अपने तैयार रखना। अभी इस समय बहुत जरूरत है आप अपनी खान पान पे, पढ़ाई का तो मैंने बता दिया कि पढ़ाई कैसे करनी है, रिविजन्स मैंने ये भी बता दिया कि अपनी सोच कैसे पॉजिटिव रखनी है, अपना माइंडफुल रह के जो करना है उस पर ध्यान देना है। खान पान और सोना मैंने एक्सरसाइज का भी बता दिया कि आधा घंटा 20 मिनट एक एक्सरसाइज जरूर करो, चलो फिरो, स्किप करो, साइकिल करो, या सूर्य प्रणाम करो, या सुबह उठते ही सूर्य को देख के वो करो, ताकि बॉडी एनर्जेटिक रहे। अब मैं आती हूँ तुम्हारे सोने की प्रक्रिया पे और फिर खाने के बारे में बताऊंगी। सोने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ बच्चों की आदत होगी सीप सोना। सीप कितना सोना है, कब सोना है, ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुनने वाली है। अब क्योंकि टाइम हमारे पास महीने भर का रह गया है तो बहुत जरूरी है कि आप ये एग्जाम्स क्या कि अगर आप रात रात भर बैठ के पढ़ने के आदि हो तो आपका जो शरीर है उसको भी उसी चीज की आदत पड़ जाएगी। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं, बॉडी क्लॉक। एक तो घड़ी होती है जो हमारे कमरों में लगी है, हमें टाइम बताती है। हमारे शरीर की साइकिल भी होती है, घड़ी होती है जो कि हमारे शरीर को उठने जागने के बारे में बताती है। तो अगर आप हमारे मन को, शरीर को, दिमाग को रात को जागने की आदत पड़ी है तो नेचुरली दिन में नींद आएगी। अब दिन में नींद नहीं आनी है क्योंकि एग्जाम देना है हमने, 9 से 10 बैठ के पेपर सैंपल पेपर सॉल्व करना है, तो जरूरत है कि अभी आपको दिन में चुस्त दुरुस्त रहने की आप आदत डालो अपनी बॉडी को। तो इस समय आप 6 से 7 घंटे की नींद, कम से कम 6 घंटे की नींद तो जरूरी है, रात को लेना शुरू कर दो ताकि दिन में आपका दिमाग शांत रहे। अगर दिमाग आप सोए नहीं हो रात भर तो नेचुरली अगले दिन कुछ भी याद नहीं आएगा, जो चीज आती है वो भी याद नहीं आएगी और आप फिर और तनाव में चले जाओगे। तो रात को सोना बहुत जरूरी है क्योंकि रात को दिमाग शांत होता है और बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे कि आपका बॉडी में जो भी दिन भर में काम किया है बॉडी ने, खाना पीना, डाइजेशन, सोना, पढ़ना, उसमें जो भी बॉडी में कुछ वियर एंड टियर या कोई भी नुकसान हुआ है वो हार्मोन्स बॉडी को ठीक करते हैं। तो जरूरी ये है कि रात की नींद लेना शुरू कर दो और सुबह उठने का टाइम अपना फिक्स कर लो कि अगर आपको 6 बजे उठना है या 7 बजे उठना है, अकॉर्डिंगली कि आपका पेपर आप कब शुरू हो रहे हैं, कितने बजे से, और आपके लिए क्या संभव है उसको देखते हुए आप अपना उठने का टाइम फिक्स करो कि मुझे 6 बजे उठना है। तो बॉडी को आपकी आदत हो जाएगी कि 6 बजे उठना है, और कुछ दिनों के बाद जब आप 6 बजे उठोगे या 7 बजे उठोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद 6 या 7 बजे खुल जाएगी जिस तरह आपने आदत डाली हुई है। जब आपने तो इसलिए जरूरी है कि आप जो है 10-11 बजे तक सो जाइए ताकि 6-7 घंटे आपकी नींद पूरी हो जाए और आप सुबह ताजा होके उठें और आपको सारी चीज याद आए और समझ में आए। पढ़ने में समझ में आने से मुझे ये याद आया कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो अंडरलाइन कर लो उसको, और कोई फॉर्मूला है या कुछ चीज है तो उसको लिख लो, बोल लो, कंसेप्ट अपना क्लियर कर लो, क्योंकि
अगर आप रटोगे तो वो चीज भूल जाएगी, तो कंसेप्ट क्लियर कर लो। ये देखा गया है कि जब आप रिवीजन करोगे तो आप अगर बोल के करोगे तो वो चीज ज्यादा दिमाग को याद रहती। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं हम किसी को वो चीज पढ़ा देते हैं तो हमें वो चीज ज्यादा याद होती है। तो अगर कोई है नहीं आपके पास जिसको आप पढ़ा सको, तो आप इमेजिन करो कि कोई आपका दोस्त बैठा है और आप उसको वो चीज पढ़ा रहे हो, तो जब वो चीज आप उसको पढ़ा दोगे वो चीज आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ये तो पढ़ाई के बारे में थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं सोने की बात कंटिन्यू करती हूँ। तो स्लीप 7 घंटे की, 6 या 7 घंटे जरूरी है रात। इसको आदत डालना शुरू कर दो रात को सोना, ताकि दिन में आप फ्रेश होके उठो और एग्जाम दो। जब आप सोने जाते हो तो अपने रात को खाने के बाद टीवी या कोई उत्तेजना वाली बात या कुछ उत्तेजना वाली चीज मोबाइल पे या टीवी पे या इन चीजों पे मत देखो, क्योंकि अगर उत्तेजना वाली चीज देखोगे तो दिमाग फिर जाग जाएगा। तो दिमाग को सुलाना है, खाना खाने के बाद शांत माहौल रखना है घर में, अपना 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 दिमाग शांत रखना है। खाना खाने के बाद एक जहां भी आप बैठ के पढ़ते हो वहां बैठिए, और जो भी आपको रात के टाइम पे अमूमन बहुत हैवी चीज मत पढ़िए, जो भी हल्की चीज है जो आपको लगता है कि जिसमें ज्यादा आपको प्रेशर नहीं है उस चीज को पढ़ के उसका टाइम टेबल बना के उसको रिवाइज करिए। पढ़ने के लिए स्थान एक निर्धारित कर लीजिए। बिस्तर पे बैठ के पढ़ोगे तो नींद आएगी, कि दिमाग को पता है बिस्तर सोने के लिए बना है, तो उसको जब क्यू मिल जाता है तो वो सोने उसको नींद आती है। तो कोशिश ये करो कुर्सी मेज पे बैठ के पढ़ो, एक जगह निर्धारित कर लो जहाँ पे ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है, और एक लैंप लगाओ। लैंप लगाओगे तो वह लाइट पड़ती है तो उसमें ज्यादा फोकस होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। और अपना जब भी आप पढ़ने बैठो तो पहले थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लो, तब क्योंकि मन को शांत करना है, मन शांत होगा तो चीज ज्यादा याद रहेगी। तो डीप ब्रीदिंग का मतलब गहरी सांस लो, यू नो 5 गिनते गिनते सांस अंदर लो, दिमाग में गिन लो 5 1 2 3 4 5 गिनते गिनते उसको रोको, और 6 गिनते गिनते उसको छोड़ो, 5 5 6। इतना आप दिमाग को डीप ब्रीद 3-4 बार कर लो और सांस पे फोकस करोगे तो मन शांत होगा। तो जब भी आपको कोई थोड़ी सी घबराहट होती है हमेशा डीप ब्रीदिंग कर लो, 5 गिनते गिनते सांस अंदर लो, 5 गिनते गिनते उसे रोको, 6 गिनते गिनते उसे बाहर छोड़ो, और इससे तुम्हारा मन शांत होगा। तो जब पढ़ने बैठो तब भी यही करो, फिर शांत मन से आप जो पढ़ोगे वो आपको जल्द याद रहेगा और उसकी रिविजन भी अच्छी हो। ये तो हो गया आपका सोने का उत्तेजना नहीं रखनी है रात को, शांत होके सोना है। और अगर आप हाथ मुंह धो के रात को बैठोगे, या अगर आप गर्म पानी से नहा लोगे, या आप सोने से पहले अगर आप आधा ग्लास 1 ग्लास दूध पी लोगे तो अच्छी नींद आती है। अगर नहा नहीं सकते तो हाथ पैर धो के ही बैठो, मुंह हाथ धो के, तो अच्छी नींद आती है जब फ्रेश होके बैठते। सोने से पहले चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ऐसी चीजें नहीं पीनी, इससे नींद भाग जाती है, राइट। ये तो सोने की बात हो गई। खान पान पे इस समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाहर का खाना खाना बंद कर दो, कोई दावत पार्टी है उसमें मत जाओ। घर का माहौल, अगर घर में टीवी वीवी अभी मत देखना, क्योंकि अगर टीवी में बैठोगे तो फिर उठा नहीं जाता। और अगर घर में कहीं टीवी चला है तो आप अपने परिजनों से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि उसको थोड़े दिन बंद कर दे, कि ध्यान फिर वहीं पे भागता है जहां पे टीवी या कुछ लगा हुआ है। और बाहर का खाना नहीं खाना है, घर में मम्मी से कहना खिचड़ी दाल चावल, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट खानी है, चने मुरमुरे दाल चावल हरी सब्जी, है ना, हल्का फुल्का जो भी खाना, फल जरूर, जो भी है फल, केला है पपीता है आजकल जो भी आ रहा है अगर मिल सकता है वो लो। बीच में आपको भूख लगती है तो फिर मम्मी को बोलो कुछ स्नैक्स बना देगी, घर में ही बना देगी वगैरह, उस तरह से फ्रूट्स वगैरह दे देगी। तो ये से हल्का खाना खाओ, रात को भी बहुत हैवी खाना नहीं खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल खाओ घर का, बाहर का खाना अवॉइड करो, पेट खराब हो गया तो दिक्कत हो जाए। ये तो खान पान की बात हो गई। जब इम्तिहान देने जाओगे तो जरूर 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 नाश्ता करके जाना। अब तुम्हें 3 बातें बताती हूँ मैं, क्योंकि नाश्ता करके जाओगे तो दिमाग अच्छा काम करेगा, भूखे पेट एग्जाम देने जाने की बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं होती। एग्जाम से पहले क्या करो, जैसे कल एग्जाम है तो ऐसे करो कि आज जो है
सारी चीजें रख लो समेट के, मेरा मेरा वो है आई कार्ड है, मेरा पेंसिल है, कंपस है, रबर है, ये सारी चीजें रात को ही रख लो ताकि सुबह हड़बड़ाहट ना हो। उठने की आदत अब तक तुम्हारे दिमाग बॉडी को पड़ चुकी होगी क्योंकि तुमने तुम्हारी बॉडी क्लॉक ठीक हो गई है और तुमने अपना उठने का समय निर्धारित कर लिया। तो तुम उठोगे आराम से, फिर अपना फ्रेश होके अपना नाश्ता करके आप जाइए एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, कहीं ट्रैफिक जाम में ना फंस जाओ, इसलिए कोशिश ये करो थोड़ा आधा घंटा एक घंटा पहले ही निकलो ताकि टेंशन ना हो, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप जा रहे हो एग्जाम देने तो आपने रास्ते में कोई चीजें दोस्तों के साथ डिस्कस नहीं करनी, तूने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, ये कुछ नहीं करना है। जो बच्चे बहुत तनाव में हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं उनसे दूर रहना है। डीप ब्रीथ करो अगर टेंशन होती है तो, और अपने आप से कहो कि मैंने सब पढ़ा है और मैं अच्छा करूंगा और भगवान मेरे साथ है। हल्की फुल्की कोई नोट्स की कॉपी रख लो, जिसको आप पढ़ चुके हो उसका पन्ना पलट सकते हो ताकि ध्यान आपका अपने काम पे केंद्रित हो। कोई नई चीज क्या, कोई नई टॉपिक मत उठाना जाने से पहले पढ़ने के लिए, जो चीज पढ़ी है उसी के पन्ने पलट लो अपने सब्जेक्ट के। जब आप एग्जाम में गए हॉल में बैठे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठ के, मैंने जैसे बताया मन को शांत करना है, थोड़ा डीप ब्रीथ करो, एक इधर उधर मत देखो, क्वेश्चन पेपर आएगा उसको देखो, प्रिंटिंग वगैरह सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो टीचर से बात कर सकते हो। और जब आप क्वेश्चन पे फिर मन को शांत करने के लिए डीप ब्रीथ करो, और जब आप पेपर सॉल्व करना शुरू करते हो तो आप ये कोशिश करो कि आप शुरू करिए और जहां पे आप अटकते हो या जो चीज आपको नहीं याद आ रही है या नहीं है उसको छोड़ दो और आगे बढ़ते जाओ, जो चीज आ रही है उसको। तो कोशिश ये करो कि जो चीज आ रही है उसको करते जाओ तो धीरे धीरे दिमाग में रिकॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो चीज हमने पढ़ी हुई होती है और याद नहीं आ रही वो धीरे धीरे याद आने लगती है जब हम लिखना शुरू कर दे। तो जब आप लिखते हो तो वही अटक के मत बैठ जाओ, जो चीज नहीं आ रही है उस पर जगह छोड़ दो उसके लिए और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो जो आता है पहले उसको करो, फिर बाद में लौट के उस पे आना जो आपने छोड़ा हुआ है। जब आप एग्जाम दे के निकलोगे, एग्जाम देने के बाद साफ साफ लिखो, जहां जरूरत है डायग्राम बनाओ, इक्वेशंस बनाओ, अंडरलाइन करो, क्योंकि टीचर्स को पढ़ने में परेशानी होती है अगर तुम्हारी राइटिंग या चीजें साफ ना हो। टेबलिंग करो, डायग्राम्स बनाओ और आगे बढ़ो। एग्जाम पेपर देने से पहले आप देख लो कि सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं। जो क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है उसको थोड़ा सा ज्यादा समय देना है, वो टाइम मैनेजमेंट तुमने सीख ही ली होगी जब आप आज से अपना सैंपल पेपर करना शुरू कर दोगे। तो अब जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको आपने कुछ टाइम दिया, और जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसको नेचुरली आप कम टाइम दोगे, तो ये तो आप अंदाजा लगाओगे ना कि जितना भी लिख लूं नंबर तो एक ही मिलना, वो एक ही नंबर का क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से ये नहीं कि उसमें आपने 4 पन्ने लिख दिए और सारा समय उसी में दे दिया, नंबर एक से ज्यादा तो मिलेगा नहीं उसमें। तो इस तरह से मार्क्स को देखते हुए अपने आंसर्स लिखते जाओ। जब आप एग्जाम दे के वापस आओगे तो ये बहुत जरूरी है, आप दो चंद बातों का ध्यान रखो, फिर आपसे मैं बताऊंगी कि दोस्तों के साथ डिस्कशन बिल्कुल मत करना, तूने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, तेरे कितने नंबर आएंगे। क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम नहीं करो, कितना लिखा, कितने नंबर आएंगे, क्या होगा, उसको आप शांति से घर आओ, जो आपने किया है आपने अच्छा किया, अपने आप से कहो, और दूसरे क्या कह रहे हैं कर रहे हैं उस चर्चा में मत पढ़ो। आप उस क्वेश्चन पेपर को उठा के दूसरी जगह पे रख दो। अगर माँ बाप भी पूछते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, अब आपकी काउंसलिंग हो चुकी है, तो आप अपने मम्मी पापा से कहोगे, बल्कि आज ही कह देना एग्जाम्स के बाद जो पेपर हो चुका है उसका डिस्कशन नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। और आप घर जाके थोड़ा आराम करके खाना खा के फ्रेश होके अगले पेपर की तैयारी अपनी रिविजन करना शुरू कर दो। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना। अब मैंने सोने का, खाने का, पढ़ाई की सारी बातें बता और सोचने का तरीका भी बता दिया। अब अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप बताइए, क्योंकि एग्जाम जो है, मैंने आपको ये बता दिया कि एग्जाम एक प्रक्रिया है, जीवन में बहुत सारे एग्जाम्स आने हैं, तो आपको स्ट्रांग बनना है, रिजल्ट के बारे में अभी बिल्कुल नहीं सोचना है। जब आप पढ़ने बैठो, एक कुर्सी मेज लेके बैठो, बताया अपना मोबाइल फोन या टीवी से दूर रहो, घंटा भर पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक लो, लेकिन टाइम टेबल बना के पढ़ो, और उस घंटे में क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कितना, एक घंटे में तुम, एक घंटा तुम बोलोगे मैं पूरा फिजिक्स पढ़ूंगा, ऐसे नहीं हो सकता, एक घंटे में पूरी फिजिक्स थोड़ी हो जाएगी,
तो पहले से निर्धारित कर लो कि 1 घंटे में मुझे ये 2 चैप्टर करने हैं जो तुमसे हो सकते हैं। इस तरह से टाइम टेबल बनाओ ताकि तुम्हारा सारा कोर्स का रिविजन हो जाए, राइट। तो ये कुछ बातें मैंने तुम्हें बताई एग्जाम्स को लेके, एक्सरसाइज और थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा उसका जरूर रखो, बीच बीच दिन भर में थोड़ा एक्सरसाइज करते रहो और दोस्तों के डिस्कशन में मत पड़ो। अगर कोई चीज अटक रहे हो, नहीं समझ आ रही है, तो अपने टीचर से या जिस दोस्त को आती है वो चीज उससे पूछ लो। अपनी तुलना दूसरों से मत करो कि वो मेरे से ज्यादा होशियार है। प्री बोर्ड्स में या जो भी आपके नंबर आए हैं वो सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि ये चीज आपको नहीं आती है, उस चीज को पढ़ लो जो आपकी छूटी हुई है। लेकिन ये डरो मत कि उसमें नंबर कम आए तो अब आगे भी कम आएंगे। अपने आप से कहो मैंने पढ़ा है, मेरा एग्जाम अच्छा होगा। जो आप बोलोगे वही होगा, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हम सोचते हैं, वो हमारी इमोशनल डाइट होती है और फिर जो हम सोचते हैं उसी हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसी हिसाब से वही चीज हमें मिलती है। तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, तो रिजल्ट अच्छा आएगा, ये बोलना। रिजल्ट जब आएगा तब उसके बारे में सोचो, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये तब सोचेंगे जब रिजल्ट आएगा। अभी सारा समय अपने सोने पे, अपनी एक्सरसाइज पे, अपने खान पान पे और सबसे इम्पोर्टेंट अपने रिविजन्स पे देना। समझ में आ गई बात? अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या टीचर्स को कुछ पूछना है तो आप पूछ, और जो भी पूछेगा उसके लिए ताली बजेगी। हाँ, जो कोई क्वेश्चन, हाथ ऊपर कर लो, हम आप ऑन कर लेंगे। और पूछने से बिल्कुल मत झिझकना, क्योंकि जितना पूछोगे उतना ही हौसला खुलता है और उतनी ही बात समझ में आती है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। एक स्टूडेंट पूछे, एक यस मैम, एक स्टूडेंट पूछ रही मैम कि पढ़ते हुए नींद आती है तो उसका उसको उसका क्या कारण है, ये पूछ रही है। बहुत 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 अच्छा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। और मैं सारे टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बच्चों के सवाल लेके वो भी पूछ सकते हैं हमसे, ताकि हमारा बच्चों के दुविधा दूर हो। पढ़ते समय नींद आती है, इसके 2 ही कारण होते हैं। देखो, जब तुम्हें भूख लगती है तभी तुम खाना खाते हो। खाना क्यों खाते हो? क्योंकि भूख लगती है। तो अगर पेट भरा होगा तो भूख नहीं लगेगी। इसीलिए अगर तुम सोए हो आराम से रात को और तुम्हारा दिमाग शांत है तो नींद नहीं आएगी। नींद तब आती है जब दिमाग में नींद की कमी होती है, तो सो लो थोड़ी देर जब नींद आती है, क्योंकि नींद आ रही है और पढ़ोगे तो कुछ याद तो आएगा नहीं। नींद पे खासकर ध्यान रखो, अपना नींद रात की पूरी करो। दिन में अगर तुम सोओगे तो एक बात और ध्यान रखना, रात को नींद नहीं आएगी फिर। तो दिन में 10-15 मिनट की झपकी मार सकते हो जब थके हो, लेकिन अगर बहुत तेज नींद आ रही है और पढ़ाई नहीं जा रहा तो मैं तो यही बोलूंगी सो लो, ताकि वो जो नींद की कमी है वो दूर हो जाए और अगली बार से तुम फ्रेश होके पढ़ो। दूसरी बात, अगर तुम बोल के पढ़ोगे, लिख के पढ़ोगे और अपने को आगे मतलब कॉन्फिडेंस से पढ़ोगे और अपने आप से कहोगे कि पढ़ने में फायदा मेरा हो रहा है, रिविजन मेरा हो रहा है, एग्जाम अच्छा मेरा होगा, अपने आप से ये बोलोगे कि पढ़ने में मेरा फायदा हो रहा है, तो नींद नहीं आएगी। क्योंकि दिमाग को लगेगा अरे मेरा फायदा हो रहा है तो इसलिए मुझे अपना फायदा क्यों नुकसान करूं, मैं पढ़ूंगा। तो ये 2 बातें हैं, अपने आप से पॉजिटिव बोलना है और अपनी नींद पूरी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कुछ टीचर्स पूछ सकते हैं जो बच्चे पूछ सवाल लेके, या बच्चों को ही माइक दे दीजिए। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स आल्सो मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। आप पूछिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। टीचर्स की भी काउंसलिंग हो रही है इसमें, क्योंकि आप लोग पेरेंट्स की तरह स्कूल में हो, आप उतने इम्पोर्टेंट हो जितने पेरेंट्स घर पे होते हैं। तो बच्चों का मनोबल बढ़ाए रखिए। किसी बच्चे को इस समय कोई कटाक्ष मत मारिएगा, जाने अनजाने हो ही जाता है कि तेरे से कहा था ना तूने पढ़ा, ऐसे मत बोलिएगा। इस समय हमने बच्चों को बोलना है बहुत अच्छा रिविजन करो, अच्छा होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। किसी स्कूल से किसी को कुछ पूछना है किसी बच्चे को, डरो मत, झिझको मत, आराम से पूछो, ठीक है? फिर तो हम रैप अप करते हैं सेशन को। अगर आपको कोई क्वेरीज या पूछनी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उनका उत्तर दे दूं। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून। बच्चों के साथ प्रॉब्लम रहती है, उनकी ये शिकायत होती है पढ़ाते हैं तब तो समझ में आ जाता है, हाँ, लेकिन बाद में जब हम करने लगते हैं तब नहीं लिख पाते हैं, या जब हम लेते हैं तब भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। मैम इसके लिए बच्चों को क्या सुझाव देंगे आप?
इसके लिए पहले तो अपने आप से बच्चों को ये बोलूंगी और हर किसी को ये बोलूंगी कि अपने आप से पहले तो पॉजिटिव बोलना शुरू करो और बोलो मैं कर सकता हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ, और समस्या है छोटी सी मैं इसको दूर कर लूंगा और मैं आई एम गुड, आई कैन डू इट, नंबर वन। नंबर टू, जब ऐसे बोलते हैं तो मनोबल बढ़ता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। नंबर टू, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तो बच्चों का इतना मनोबल बढ़ा होना चाहिए या डर टीचर्स के प्रति या किसी के प्रति खत्म होना चाहिए कि वो बेझिझक कुछ पूछ सके। तो आप समझना बहुत जरूरी है कंसेप्ट को, चाहे आप 10 बार पूछिए चाहे 20 बार, लेकिन उस चीज को समझ के पढ़िए, रटिए मत, रटने से भूलोगे, जितना रटते हैं उतना भूल जाते हैं। समझ लिया आपने? तीसरी चीज ये है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप उस चीज को रिवाइज करके प्रैक्टिस करोगे लिखने का, जैसे आप इंग्लिश रिवाइज कर रहे हो तो उसके मुश्किल शब्दों को लिख लो, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके फॉर्मूलाज को लिख लो, मैथ्स कर रहे हो तो उसको करके करो एक दो क्वेश्चंस, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको याद रहेगा। और तीसरी चीज ये है याद रखने की, कि बड़े बड़े जो कंसेप्ट हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के छोटी छोटी बातें दिमाग याद रखता है, या कोई न्यूमोनिक्स बना लो, जैसे कि कोई 5-6 चीजें एक तरह की याद रखनी है, तो आपको पता है रेनबो का कलर क्या होता है, विबग्योर, है ना, हम लोगों ने पढ़ा होगा ये बचपन में, हम सब ने पढ़ा, आपको भी पता होगा कि रेनबो के रंग हम कैसे याद रखते हैं, हमने न्यूमोनिक्स बना लिए, विबग्योर। अब विबग्योर तो याद है हमें, तो विबग्योर में हमने देखना है कि V for वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, किस तरह से तोड़ के शब्द का न्यूमोनिक बना लो, तो वो चीज फिर दिमाग में वो पिक्चर आ जाती है, दिमाग पिक्चर को याद रखता है, बातें याद नहीं रखता, तो उसकी पिक्चर बना के बड़ी बड़ी चीजों को छोटा करके पढ़ोगे तो याद रहेगा। कंसेप्ट क्लियर करो, बोल के पढ़ो, और किसी को पढ़ा के सोच पढ़ोगे तो ज्यादा याद। और रिविजन मेक्स प्रैक्टिस एंड रिविजन मेक यू परफेक्ट, और इसके लिए नींद पूरी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना, राइट? और कुछ मैम? थैंक यू, थैंक यू। बच्चे सब अच्छे होते हैं, हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, तो टीचर से यही रिक्वेस्ट है कि हर बच्चे का मनोबल बढ़ाइए, उसको बोलिए वेरी गुड, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, और उसकी जो समस्या है उसको सॉल्व करने में उसकी मदद करिए। तो दो हिस्सों में है, बच्चे को मोटिवेट और अप्रिशिएट करिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी हेल्प करिए। और कोई समस्या है तो आप चैट बॉक्स में मेरे से बात कर सकते हो, हम हमेशा आपके साथ। थैंक यू।